खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं। ये बैठक शुरू हो गई है, सीएम आवास पर ये बैठक हो रही है। सभी मंत्रियों से विभाग के हिसाब से बैठक ये ली जाएगी। कोरोना के रोकथाम समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार मरीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और सीएम हाउस में इस वक्त ये बैठक चल रही है। 12 बजे इस बैठक का टाइम टेबल पहले से निर्धारित किया गया था, 12 बजे बैठक बुलाई गई थी। इसमें तमाम मंत्री मौजूद हैं और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, किन फैसलों पर मोहर लगती है और क्या कुछ निर्देश सरकार की ओर से जारी होंगे, ये देखना काफी अहम होगा। तो फिलहाल सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में कोरोना के रोकथाम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। और कई विधायक और मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, विधायक विभागवार मंत्रियों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में करेंगे। रायपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं। सीएम हाउस में बैठक चल रही है, 12 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था, 12 बजे के हिसाब से बैठक अब शुरू हो गई है। सीएम आवास पर बैठक जारी है, सभी मंत्रियों से विभाग के हिसाब से बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। सुप्रिया पांडे मेरी सहयोगी रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ये बैठक कब तक और चलेगी और इस बैठक में कौन कौन से मंत्री मौजूद हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज बैठक ले रहे हैं। दोपहर 12 बजे से जो बैठक है वो लगातार चल रही है। इस बैठक में जो है सभी मंत्री के साथ ही सभी अधिकारी जो है वो भी शामिल होंगे और इसमें ये कवायद जो है वो लगाई जा रही है कि जो कोरोना को लेकर जो है वो बैठक हो रही है और साथ ही प्रदेश में लगातार जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्री पीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि 1500 से ज्यादा जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ गए हैं। और इसे लेकर बैठक को लेकर पीएस सिंहदेव ने ये संकेत भी दिए हैं कि जो लॉकडाउन है वो छत्तीसगढ़ में उसका फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इसे लेकर के कुछ समय पहले टीएस बाबा ने एक बयान दिया है कि लॉकडाउन के बाद भी सामने आ रही है, क्योंकि एक करीब 1500 पॉजिटिव केस जो है वो छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन और भी जो लोग हैं वो बाहर से आ रहे हैं। करीब 1.5 लाख मजदूर जो है वो उनका भी आना जो है वो अभी प्रदेश में बाकी है। साथ ही इस मीटिंग के बाद ही फैसला होगा कि मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेना चाहेंगे और इस निर्णय में फैसला होगा कि क्या प्रदेश में एक बार फिर जो है लॉकडाउन शुरू किया जाता है। जी, बैठक पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी के लिए।